तो आज के में जिस एप्लीकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है सीट एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन एक तरीके से आपके एप्लीकेशन को मैनेज करता है, मतलब आपने कुछ ऐप मैनेजर मतलब अगर आपने अपने फ़ोन की सेटिंग यूज़ की होगी तो आपको पता होगा। तो एप्लीकेशन को जैसे हम ओपन करते हैं, एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए जाते हैं, जैसे हम क्लियर डाटा या फिर क्लियर कैच वगैरह आप चेक करने जाते हो कि एप्लीकेशन के आपको कौन कौन सी परमिशन दे रखी है, उसे अगर आपको चेक करना होगा तो जो स्पीड एप्लीकेशन आपके मतलब काफ़ी बेस्ट ऑप्शन होगा जो उसे आपको यूज़ करने के लिए। जहाँ पर आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पर आपको जो भी मतलब एप्लीकेशन आपको मतलब जिससे आपकी सेटिंग आपको चेंज करनी या फिर देखना कि कौन कौन से आपने उसे परमिशन दे रखी होगा, तो उससे आपको सबसे पहले डिटेल्स को। और जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से जैसे एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करते आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरव्यू होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं परमिशन कंपोनेंट सर्टिफिकेट मैनिफेस्ट या फिर और भी मिल जाती है, यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर भी आप जा सकते हैं या फिर एप्लीकेशन को डायरेक्टली। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ऐप टाइप बेसिक ऐप इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिक मिनिमम ओएस, यहाँ पर एंड्रॉइड वन के अंदर भी आप इसे मतलब काफ़ी सारे आपको इसके अंदर ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि यूजेज ऑफ कॉल टाइम यहाँ पर लेस देन मिनट, यहाँ पर कुछ इसके अंदर आप मतलब देख सकते हैं आप आपकी एप्लीकेशन को कितनी बार यूज़ किया, और तो उसके अंदर जैसे मैंने यहाँ पर जीरो टाइम एप्लीकेशन को यूज़ किया। अब यहाँ से जो पिक्की बेस्ड एप्लीकेशन है जो 9.7.1 MB है, यहाँ पर एप्लीकेशन की कुछ मतलब जिसके अंदर आप अपना एप्लीकेशन सेव कर रखा होगा तो सारे आपको इसके अंदर ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर हम परमिशन के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आपको मतलब कौन कौन सी आपने परमिशन जैसे दे रखी होगी आपको आपके सामने, या फिर कौन कौन सी एप्लीकेशन वो यूज़ करा आपके साथ में, कौन कौन से आपने परमिशन होंगे अपने मोबाइल के जो हार्डवेयर उसके यूज़ करने के लिए आपने दे रखी होगी, नेटवर्क स्टेट इंटरनेट लॉक्स वगैरह यहाँ पर वाइब्रेशन रिसीव रिकॉर्ड्स वगैरह आपने काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसे मैंने ग्रांटेड कर रखी है। कंपोनेंट्स के अंदर जाएंगे जहाँ पर यहाँ पर आपको काफ़ी सारी एक्टिविटीज सर्विस ब्रॉडकास्ट प्रोवाइडर मतलब कि जो एप्लीकेशन के प्रोवाइडर्स होंगे उसके लिए आपको उसके अंदर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वहाँ पर एक्टिविटी कर सकते हैं मतलब जो एप्लीकेशन की जो एक्टिविटी है फिर आप उस एक्टिविटीज़ को आप ट्रैक कर सकते हो, जिस तरीके से मतलब आप एक्टिविटी यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, आप सर्टिफिकेशन यहाँ पर कौन कौन से जो एप्लीकेशन को सर्टिफिकेशन दिया है आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर पब्लिशर के नेम ऑर्गेनाइजिंग कंट्री वगैरह आप चेक कर सकते हो, और यहाँ पर मैनिफेस्ट वगैरह आप चेक कर सकते हो। आप देखने को जिस तरीके से मैनिफेस्ट होता है तो एक तरीके से आप इसे मतलब कम्प्लीटली आप एप्लीकेशन को चेक कर सकते हो। तो ये एप्लीकेशन आपको मतलब फोन को मतलब स्पैम तो नहीं कर रहा है या फिर कुछ किसी वायरस वगैरह होते हैं हमारे स्मार्टफोन के अंदर, जैसे आप यूज़ कर देते हो स्मार्टफोन का स्लो हो जाता है, या फिर हमारे जो कुछ पर्सनल डाटा हो गया या फिर प्राइवेसी उसे लीक करते हो मतलब लीक करते हैं तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। तो डाउनलोड करने के लिंक मैंने अपनी सेक्शन में जरिए व्हाट्सएप करके आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो एप्लीकेशन की जो लिंक है वो मैंने अपनी सेक्शन में जैसे आप लिंक के ऊपर चेक करेंगे तो आपके सामने कोई इस तरीके से क्रोम पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर सबसे पहले आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब करने को यहाँ पर आपको बैक लेना है, और यहाँ पर आपको और दोनों चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर जैसे आप अनलॉक लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली मतलब वेबसाइट पर लॉगिन हो जाएंगे, मतलब वहाँ से डायरेक्टली आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, काफ़ी इजीली आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। आप उसे आपको डाउनलोड कर लेना है तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि तभी मतलब जो ग्रीन टाइप है वो आप ग्रीन आइकन वो गेट लिंक के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन को। आपके लिए मैं सिर्फ इतना ही मिलता है, आपको अगले वीडियो में तब तक चलो।